वेलकम टू द न्यू वीडियो। सो आज हम लेकर आए एक नया प्रोजेक्ट, जो आज का अपना प्रोजेक्ट है वो है बुक सेलिंग का, और इसको हमने रियल लाइफ बेस बनाया हुआ है। जो इसके अंदर हम पेमेंट मेथड यूज़ किया हुआ है, हमने पेटीएम का यूज़ किया हुआ है। सो पेटीएम की आईपीज़ को हमने यूज़ करके उसमें पेमेंट का मेथड यूज़ किया हुआ है, कि अगर हम कोई बंदा इस बुक्स को बाय करता है तो उसका जो पेमेंट होगा वो पेमेंट के थ्रू, जो पेटीएम है हमारे, उसके थ्रू हमारे अकाउंट में आएगा। तो ये रियल लाइफ बेस्ड है और डिफरेंट प्रोजेक्ट है अब तक का। तो जो अपने ऑनलाइन बुक्स देखे होंगे, ठीक है, जो और प्रोजेक्ट्स आपने देखे होंगे, तो उसमें पेमेंट का कोई ऑप्शन नहीं है, बट इसमें हमने लाइव पेमेंट ऐड किया हुआ है। तो पहले इस वीडियो कंप्लीट देखना, और डाउनलोड कैसे करना है, कैसे आप इसको सेटअप कर सकते हो, वो आपको जब आप पूरा वीडियो देख लोगे, पूरा प्रोजेक्ट देख लोगे, तब आपको समझ आ जाएगा। इस प्रोजेक्ट को आप कॉलेज में दिखा सकते हो, रियल लाइफ के लिए यूज़ कर सकते हो। रियल लाइफ के लिए कैसे यूज़ कर सकते हो, अगर आप ई बुक सेलिंग करना चाह रहे हो रियल लाइफ में, अगर आप कोई प्रोजेक्ट सेलिंग करना चाह रहे हो, या आप बुक्स ही सेलिंग करना चाह रहे हो, वो कोई अलग टाइप की बुक्स हो सकती है, तो आप उनको सेल करना चाह रहे हो, तो इसमें आप पेमेंट यूज़ कर सकते हो अपना रियल पेमेंट अकाउंट को। तो वो देखते हैं कैसे और पूरा सेटअप कैसा है इसका। तो हमने इसको बनाया हुआ है PHP के अंदर। फ्रंट एंड में हमने इसमें HTML CSS JavaScript का यूज़ किया हुआ है, एंड बैक एंड में हमने इसमें PHP एंड MySQL का यूज़ किया हुआ है। प्रोजेक्ट का स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पर ही मिल जाएंगे वेबसाइट पर, और मैं इसको पूरा डिस्क्रिप्शन करके अभी आपको दिखा भी देता हूँ। तो हमने स्टार्ट करना है यहाँ से। ये अपना इंटरफेस हो जाएगा आपका यूजर बेस पर, जब आप कोई भी बंदा इसको लॉगिन करेगा तो उसका इंटरफेस आपको ऐसा दिखने वाला है। अब उसका डेटाबेस हमारा ये रहा बैकएंड पर, जैम सर्वर में यूज़ करता हूँ, तो आप MySQL भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं जैम सर्वर को यूज़ करता हूँ, तो इसलिए इसका डेटाबेस यहाँ पर है। बैकएंड का जो डेटाबेस होगा यहाँ पर हो जाएगा, एडमिन, बुक्स, कैटेगरीज, पेमेंट्स एंड टाइम पेमेंट। सो ये सभी डेटा बेस के अंदर स्टोर होगा, यहाँ तक कि जो पेमेंट्स, जब हम पेमेंट्स करते हैं पेटीएम के थ्रू, तो उसका डेटा भी हमारे पेमेंट्स बैकएंड में स्टोर होता है। ये टाइम पेमेंट होगी, एंड ये रियल पेमेंट होगी हमारी, कि पेमेंट कितनी हुई थी और उसकी IDs क्या है, बिल IDs क्या है। तो ये सब चीज़ जनरेट होती है हमारी, और वो सेव हो जाती है हमारे बैकएंड के अंदर डेटाबेस के अंदर। ये रिक्वेस्ट होगी कस्टमर्स, ये सभी टेबल्स हमारे डेटाबेस के। तो अब इसको मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ एक बार, कि हमारे पास कौन कौन सी डेटाबेस टेबल्स है, तो ये ज़्यादा इजी आपको समझ आ जाएगा। तो ये रहा अपना कंप्लीट डेटाबेस, एंड यहाँ पर आपको सभी टेबल्स दिख जाएगी अब ईजिली, ताकि आप उनको सभी को देख सकते हो। तो ये सभी पूरा अपना डेटाबेस है, और इन सभी आपस में इंटरकनेक्टेड है, प्राइमरी की फॉरेन की से। और अब चलते हैं अपने डेटा प्रोजेक्ट के साथ में। तो प्रोजेक्ट में हमने स्टार्टिंग में क्या करना है, जब कोई बंदा इसको यूज़र लॉगिन करेगा फर्स्ट टाइम, तो उसको ऐसा इंटरफेस दिखने वाला है। इसमें अच्छी चीज़ क्या है कि इसमें जो CSS यूज़ हुई है ना, बहुत अच्छी CSS यूज़ हुई है, मतलब आप रोटेटिंग देख सकते हो कि आपका जो प्रोजेक्ट है कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है और इंटरेक्टिव भी लग रहा है। मतलब आप किसी भी बुक्स पर होवर करोगे तो वो ऑटोमेटिकली कार्ड रोटेट करेगा, एंड जो हमारा बॉटम है वो भी बहुत अच्छा बनाया हुआ है हमने इसमें। तो अगर आप इसको एरो पर क्लिक करते हो तो ये टॉप पर नेविगेट कर जाएगा हमारा। तो लाइक मैं नया यूज़र हूँ, न्यू यूज़र, सो आई वांट टू बाय एन बुक, लाइक आई वांट टू बाय एन कॉमिक बुक्स, देन कॉमिक बुक्स पर हमने इसको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हमारी बुक्स दिखा देगा, जितनी भी हमारे पास बुक्स अवेलेबल है, सो वो यहाँ पर दिख जाएगी हमें। एंड आई वांट टू बाय दिस स्पाइडरमैन। सो ये एक चीज़ आप और देखोगे यहाँ पर, कि जो हमारी CSS है बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज की हुई है, एंड बहुत अच्छे तरीके से इसको यूज़ किया हुआ है। तो जो भी इसको देखेगा वो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। तो आप इसको रियल लाइफ में भी यूज़ कर सकते हो, मतलब मैं अगर खुद को लिए इसको यूज़ करना चाहूँ तो मैं इसको यूज़ करूँगा अगर बुक सेलिंग के लिए। तो आप देख सकते हो कि इसमें जो हमारा बुक्स कैसे ओपन होकर दिख रही है, लाइक अगर मैं इस पर होवर करता हूँ, या इस पर होवर करता हूँ, या दूसरी बुक्स, कोई किसी भी बुक्स पर मैं होवर करता हूँ, तो उसका जो लुक है स्टार्टिंग का वो बहुत अच्छा लगता है। आप देख रहे हो, तो पहले वो ओपन होगी एंड देन साइड में जाके फिर वापस वहीं पर चली जाएगी। तो लाइक मैं भी परचेज करता हूँ किसको, इसमें प्राइस यहाँ पर दिख जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूँ और इसकी बात करूँ, यहाँ पर इसका प्राइस दिख जाएगा, यहाँ पर 700 इसका प्राइस दिख जाएगा। तो मैं परचेज करना चाह रहा हूँ स्पाइडरमैन को, ठीक है, इस पर मैं करता हूँ पे। सो पे के लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा नॉर्मली। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो आप लॉगिन पेज पर चले जाओगे, बट मैंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो मैं लॉगिन
हेयर पर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर मैं यूज़ कर लेता हूँ आईडी पासवर्ड को। टेस्ट 1 2 लॉगिन। तो जब हम लॉगिन करेंगे, आई थिंक पासवर्ड रॉन्ग है, ओके पासवर्ड सही था, वो क्लिक नहीं हो पाया मेरे से। सो हमने लॉगिन किया, वेलकम टू डिकोड इट। तो अभी हमारे पास लेफ्ट साइड में काफ़ी सारे पैनल्स आ गए यहाँ पर एंड काफ़ी सारी बुक्स हमें यहाँ पर दिखनी स्टार्ट हो गई है जो हमने स्टार्टिंग में चेक की थी बिना लॉगिन के। बट विदाउट लॉगिन हमारे पास ये सभी पैनल्स नहीं थे। तो आप इसमें CSS देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से CSS को यूज़ किया गया है। बैकएंड तो आप नॉर्मल देखी गई कि आप बैकएंड में जो हमारा डेटाबेस स्टोर होगा तो वो तो रहेगा ही, बट आप CSS देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से इसमें यूज़ किया गया है। तो अभी मैं कोई एक बुक परचेज करता हूँ साइंस फिक्शन की, ठीक है। इसमें मैंने ओपन किया तो यहाँ पर लिखा हुआ यू डिड नॉट परचेज एनी बुक फ्रॉम द साइंस फिक्शंस। सो अभी तक हमने कोई बुक परचेज नहीं की है। वो कह रहे हैं कि बुक परचेज करो, रिकमेंडेड बुक हमारे पास ये है। तो मैं इसमें से कोई एक बुक परचेज कर लेता हूँ 1948 को, व्यू बुक। तो यहाँ पर व्यू बुक आ रहा है, पहले टाइम क्या था परचेज, जब परचेज करने के लिए लॉग इन करना पड़ेगा। तो मैं करता हूँ क्या, व्यू बुक पर। तो ये नेविगेट कर जाएगा हमारा बुक्स व्यू पेज पर, ठीक है। अभी यहाँ पर इस पर कोई कमेंट्स नहीं है, बट अगर कोई यूज़र कमेंट करना चाहे तो यहाँ पर दिख जाएगी कमेंट्स भी। तो अभी हमारे पास क्या ऐड टू कार्ड है एंड अगर हम बाय करना चाहें तो हम यहाँ से बाय कर सकते हैं। इसमें डिटेल्स आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, बुक्स नेम आ जाएगा, ऑथर नेम्स है। आप CSS देख रहे हो ना, CSS बहुत अच्छे तरीके से इसमें यूज़ किया गया, बहुत इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इस प्रोजेक्ट को। तो ये यहाँ पर उसकी डिटेल्स आ जाएगी। मैं करता हूँ ऐड टू कार्ड। तो अभी यहाँ पर देख रहे होंगे दो बुक्स जा चुकी है, एक ऑलरेडी मैं बुक्स और डाल चुका हूँ। बट अगर मैं कार्ड पर नहीं जाना चाह रहा हूँ, मैं डायरेक्टली बाय करना चाह रहा हूँ, देन आई क्लिक ऑन दी बाय बटन एंड इट नेविगेट टू द पेमेंट पेज। अब ये पेमेंट पेज हमारा नॉन एडिटेबल है, मतलब इसको एडिट नहीं कर सकते। ये ट्रांजेक्शन ID, डिकोडेड कस्टमर नेम, पेमेंट एंड बुक्स का नेम, तो ये सब ऑटोमेटिक ही आया है बैकेंड से, जहाँ से हमने इसको परचेज करना स्टार्ट किया था। तो आप इसको एडिट नहीं कर सकते हो। तो मैं इसको भी क्रॉस कर देता हूँ, मैं वापस अपने पेमेंट पेज को क्रॉस करके वापस अपने पेज पर आता हूँ। पहले यहाँ पर चेक करते हैं हम क्या क्या कर सकते हैं। तो अभी मैंने कार्ड में दो बुक्स ऐड हो चुकी है। अगर मैं कार्ड पर क्लिक करता हूँ तो वहाँ पर मेरे को दो बुक्स दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। एक ये है एंड एक ये है, द सेल्फी जेंस। तो मैं क्या करता हूँ, ये 900 की है एंड ये 499 की। अगर मैं पेमेंट टू चेकआउट करता हूँ देन ये दोनों बुक का पेमेंट्स और दोनों बुक यहाँ पर दिख जाएगा, दोनों बुक का अमाउंट्स कितना है। बट अगर मैं एक बुक को रिमूव करता हूँ देन चेक करते कि क्या वहाँ पर पेमेंट कम हो जाता है या नहीं हो जाता है, क्योंकि ये भी ऑटोमेटिक हमारा होना चाहिए कम। तो अभी चेकआउट पेज पर जाएंगे और यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा पेमेंट्स कम हो चुका है एंड बुक्स भी हमारी कम हो चुकी है। तो अभी हम और बुक्स ऐड करते हैं एंड उनमें से सॉरी यू डोंट हैव परचेज एनी बुक, तो हमारा स्टोर यहाँ पर दिखेगा जब हम बुक्स को परचेज कर लेंगे। बट अभी मैं और बुक्स को ऐड करता हूँ यहाँ पर एंड व्यू बुक्स एंड ऐड टू। तो मैंने एक बुक और ऐड कर ली अपने कार्ड्स में, अभी दो बुक फिर से हो चुकी है हमारे पास। और अब यहाँ से कोई सर्च करना चाह रहे बुक्स को तो हम यहाँ सर्च भी कर सकते हैं। मैं 1984 आई थिंक, कौन सी बुक थी वो, 1948 आई डोंट नो 48 या 84। तो हम सर्च करते हैं इसको। ओ ये नेम, इस नेम से कुछ बुक नहीं आई। तो मैं यहाँ पर कोई बुक का नेम सर्च कर लेता हूँ और वही डाल दूँगा पर, क्वांटम फिजिक्स, ओके। तो सर्च बाय नेम, यहाँ पर मैंने डाला क्वांटम फिजिक्स एंड सर्च। तो अभी हमारे पास एक बुक आ चुकी है, ठीक है। तो हम सर्च से भी बुक्स को सर्च कर सकते हैं एंड देन क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारे बुक्स हमारे दिखा देगा। अब हम किसी बुक्स के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लाइक बुक्स का नेम एंड रिक्वेस्ट। सो बुक का नेम क्या हमारी क्वांटम फिजिक्स, एंटर योर रिक्वेस्ट, आई वांट टू डेमो फॉर दिस बुक, ओके। सो हमने रिक्वेस्ट कर दी एंड सबमिट। सो ये रिक्वेस्ट हमारी चल जाएगी किसको, एडमिन को, ठीक है। अनसेंड एंड सेंड यहाँ पर हम कर सकते हैं, ये टाइम लॉक्स आ गया हमारा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं एडमिन को। अभी हमने कोई ट्रांजेक्शन नहीं करी हुई है तो यहाँ पर कोई ट्रांजेक्शन भी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हमने कोई पेमेंट अभी इस अकाउंट से नहीं की है, ठीक है।
प्रोफाइल में हम चेक करेंगे तो यहाँ पर आपका यूज़र प्रोफाइल्स दिख जाएगा, जो भी आपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम अपनी इमेज ऐड की होगी, नेम एंड आपकी आईडी, जो भी आपकी आईडी आपने ऐड की होगी। तो आप यहाँ पर अपना नेम ऐड कर सकते हो, यहाँ पर अगर आपको अपडेट करना है कुछ चीज़ों को, या अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी है, रिमूव करनी है, तो मैं भी कुछ नहीं कर रहा हूँ अभी, इसको बैक करते हैं यहाँ से। एंड चेंज पासवर्ड, यहाँ से हम यूज़र अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, ओल्ड पासवर्ड एंटर एंड न्यू पासवर्ड। तो ये तो यूज़र के लिए हो गया अपना। अब हम बात करते हैं पेमेंट की। तो इसको पेमेंट करने के लिए आपके पास आपका पेटीएम अकाउंट, वो भी बिजनेस अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि उसके लिए हमें चार चीज़ की रिक्वायरमेंट्स पड़ने वाली है, ठीक है। वो क्या है, जैसे ही हम यहाँ से पेमेंट करते हैं ना, ठीक है, यहाँ पर हम पे करेंगे 1600 को पे करेंगे, तो ये नेविगेट कर जाएगा हमारा इस वाले ट्रांजेक्शन आईडी पर, ठीक है। अब ये नेविगेट नहीं करेगा क्योंकि मैंने यहाँ से इसमें पेमेंट आईडीज अपनी हटा दी है। तो आपको क्या करना है और आपको पेमेंट आईडी कैसे ऐड करनी है, तो जब भी आप अपना एक पेमेंट अकाउंट बना लोगे, बिजनेस पेमेंट अकाउंट बना लोगे, तो आपने क्या करना है, इस वेबसाइट पर चले जाना है, पेपाल पेमेंट की है, पेटीएम की ही है, तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी ऐड कर दूंगा। तो आपने वहाँ से क्या करना है, एपीआई जनरेट करानी है, ठीक है, एपीआई की जनरेट करनी है इस लिंक के थ्रू। तो आपने वहाँ से चार चीज़ कॉपी करनी है, मर्चेंट आईडी, मैं इसलिए यहाँ पर नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि ये पेमेंट का इशू है और मैं अपनी आईडीज़ यहाँ पर ऐड नहीं कर सकता हूँ, तो इसलिए वो नेविगेट भी नहीं कर रहा है इस नेक्स्ट इसके आगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब इसमें आप एग्जैक्ट पेमेंट आईडीज़ ऐड कर दोगे, और वो किसी को दिखानी भी नहीं है, आपने खुद के लिए ही ऐड करनी है, ताकि अगर आप पेमेंट रियल लाइफ में इसको ऐड करोगे तभी यूज़ करना उसको, अदरवाइज़ यहाँ पर आपको पेमेंट कोई और भी आपकी आईडी चेक कर सकता है। तो जब आप पेमेंट आईडीज़ ऐड करोगे ना, तो आपको पेमेंट मर्चेंट आईडी की रिक्वायरमेंट्स पड़ने वाली है, तो मर्चेंट आईडी आपने यहाँ पर ऐड कर देनी है, एंड देन मर्चेंट की, मर्चेंट की आपने यहाँ पर ऐड कर देनी है, एंड एक वेबसाइट ऐड करोगे जब आप इसमें पेमेंट ये जब आप इसको एपीआई जनरेट करोगे तो वहाँ पर एक वेबसाइट ऐड करोगे आप, ठीक है। तो वो आपने इन तीन चीज़ को यहाँ पर ऐड करना है बस, और कुछ नहीं करना है। जब आप इसको ऐड करोगे, देखो यहाँ पर एक डेमो भी दिखाया हुआ है उसने पूरा, कि वो कैसे कैसे करना है, और इसका स्टेप्स भी आपने उसमें लिखे हुए। तो जब आप ये कर दोगे ना ऐड, तो ये ऑटोमेटिकली पेमेंट ट्रांजेक्शन ऐसा कुछ दिखेगा आपको, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो ये ऐसा कुछ दिखेगा आपको, जितना पेमेंट होगा वो यहाँ पर आपका पेमेंट आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको इमेज को न्यू टैब पर ओपन करता हूँ, हाँ, तो ये पेमेंट आपका एग्जिट दिख जाएगा वहाँ पर, कितना पेमेंट है, ठीक है। और यहाँ पर उसको लॉगिन करना पड़ेगा पेमेंट करने के लिए, वन टाइम पासवर्ड या जो भी आप यूज़र डालोगे। तो ये डेमो के लिए था ये वाला पेमेंट गेटवे, तो आप इसमें अपना जब रियल ऐड करोगे तो आप किसी को शो नहीं करना। तो जब आप पेमेंट कर दोगे ना, तो अब उसके बाद आपका सब चीज़ डेटाबेस में ऐड हो जाएगा पेमेंट का। पेमेंट इसलिए नहीं शो किया हुआ मैंने, क्योंकि इसमें मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर बस आपको चार चीज़ ऐड करनी है और आपको बिजनेस अकाउंट होना चाहिए। तो मैं पेमेंट अपनी आईडी शो नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने ऐड नहीं किया है। और अब हम एडमिन पैनल पर देखते हैं, एक यूज़र हमारे पास वो भी है जिन्होंने पेमेंट्स की हुई है, तो हम उनको भी चेक कर सकते हैं, लाइक कि ये हमारे कुछ यूज़र्स हैं जिन्होंने पेमेंट्स किए, तो हम उनकी आईडी ओपन करके पेमेंट्स दिखा देंगे वहाँ पर कितना ट्रांजेक्शन हुआ हुआ है। जैसे हमारा एक यूज़र ये है, बिल आईडी कस्टमर आईडी 1 है बिट, तो हम ये वाला यूज़र ओपन करते हैं जिसकी आईडी 1 है, ठीक है, कस्टमर, एंड देन ओपन किया हमने सचिन, ठीक है, एंड सचिन एट द रेट T120 इसका पासवर्ड है, तो हमने लॉग आउट किया, एंड देन लॉगिन कर लेते हैं सचिन एट द रेट, ये इसका जीमेल आईडी है, एंड देन ये इसका पासवर्ड है, एंड देन इसको हम लॉगिन कर लेते हैं अभी। तो आप इसके ट्रांजेक्शन चेक कर सकते हो अगर आप इसमें कार्ड्स में जाओगे, ठीक है, तो इसने कार्ड में ऐड किया हुआ, ट्रांजेक्शन चेक करोगे तो उसका आप ट्रांजेक्शन देखो, ये बुक इसने परचेज की थी, प्राइस कितना था, और ये इसकी पेमेंट हिस्ट्री है, ठीक है। तो ये ट्रांजेक्शन हमारी इसलिए दिख रही है क्योंकि हमने इसके अंदर ऐड किया हुआ था पेमेंट्स का गेटवे तब। तो अब हम चलते हैं एडमिन पैनल पर अपने। सो आपका पेमेंट ऐड हो जाएगा, अगर आपको इशू आ जाएगा पेमेंट ऐड करते तो आप कमेंट्स में बता सकते हो, वो भी आप
वैसे इजी है, आप उसको खुद से भी ऐड कर सकते हो। पेमेंट गेटवे इतना हार्ड नहीं है, बस आपने क्या करना है इस लिंक को जाके अच्छे से चेक कर लेना, चार पांच चीज़ में ऐड करनी है, और ये कोड है कॉन्फिग पेमेंट फाइल में जाके आपने बस इन चार चीज़ों को ऐड करना है, और कुछ नहीं ऐड करना है इसके अंदर। सब चीज़ फिर ऑटोमेटिक आपका पेमेंट ऐड हो जाएगा। अब हम एडमिन पैनल ओपन करते हैं। सो एडमिन पैनल के साथ हमें क्या क्या दिखने वाला है, ठीक है? तो ये रहा अपना एडमिन पैनल। इसमें हमारे पास कस्टमर कितने हैं, कैटेगरीज कितनी हैं, बुक्स कितने हैं, रिक्वेस्ट कितनी आई हुई है, कमेंट्स कितने हैं, टोटल पेमेंट कितनी है हमारे पास। सो यहाँ पर हम कस्टमर चेक कर सकते हैं। अगर हमें कस्टमर देखना है तो अगर यहाँ पे सर्च भी करना है हमें कस्टमर को, तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। डिकोडिट के नाम से हमने सर्च किया तो क्या हमारे पास कोई कस्टमर आया? ये रहा हमारे पास कस्टमर, तो हम सर्च कर सकते हैं कस्टमर्स को, कैटेगरीज को मैनेज कर सकते हैं। अगर हमें कैटेगरीज ऐड करनी है तो हम यहाँ से ऐड बटन पर जाके कैटेगरीज को ऐड कर सकते हैं अगर करनी है तो। बुक्स को अपलोड करना है तो हम यहाँ से बुक्स अपलोड कर सकते हैं। न्यू बुक ऑथर डिस्क्रिप्शन कैटेगरीज कौन सी है उसकी, बुक इमेज, बुक फाइल्स एंड देन प्राइस। तो यहाँ पर हम पाँच छः चीज़ें हमें ऐड करनी पड़ेगी अगर हमें कोई बुक्स ऐड करनी है तो। ऑल बुक्स हमारी जितनी भी बुक्स है वो यहाँ पर हमें दिख जाएगी। अगर हमें इसमें कुछ एडिट करना है या चेंज करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। व्यू करना चाहे तो यहाँ पर व्यू पर आ जाएंगे हम, और यहाँ पर हमारे पास बाय का ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि हम एक एडमिन हैं, और ये कमेंट्स दिखेंगे यहाँ पर जो भी यूज़र ने उस पर कमेंट की हुई होगी। तो अगर यहाँ पर हम व्यू करेंगे तो ये हमारी बुक्स यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो हम पीडीएफ फाइल को भी डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। जैसे इसमें देखो आप, बुक्स हमने डायरेक्टली ऐड कर दिए, तो जो भी हमारा यूज़र इसको बाय करेगा तो वो ऐसे उसको ओपन करके देख सकता है पेमेंट करने के बाद। ये उसका अच्छी चीज़ इसमें ये है, पेमेंट करने के बाद ये ऑटोमेटिक व्यू मोड में आ जाएगी वहाँ पर, ठीक है? अब मैं एक सचिन के यूज़र के बेस पर आपको दिखाऊंगा कि उसको बुक्स कैसे दिखेगी उसको। तो अभी हमारे पास रिक्वेस्ट देखते हैं। तो हमारे पास एक ये रिक्वेस्ट आई हुई डिकोडिट के नाम से, आई वॉन्ट टू डेमो फॉर दिस बुक, कब आई थी, डिलीट कर सकते हैं अगर हमें कोई रिक्वेस्ट डिलीट करनी है, या हम उसमें चेक करना चाहे कोई रिक्वेस्ट को तो हम वहाँ से अनसेंड भी कर सकते हैं। ये कमेंट्स है किस बुक पर क्या क्या कमेंट्स आई हुई, यहाँ पर सारी कमेंट्स हमें दिख जाएगी। टोटल कितने ट्रांजेक्शन हो रखी है वो भी हमें यहाँ पर दिख जाएगी। सबसे ज़्यादा सचिन ने ट्रांजेक्शन की हुई है तो सचिन की ट्रांजेक्शन सबसे ज़्यादा दिख रही है यहाँ पर, तो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री भी हमारी यहाँ पर रहेगी। पासवर्ड चेंज एंड लॉगआउट, तो ये हमारा एडमिन पैनल है। तो एडमिन पैनल भी इसका इंटरेस्टिंग है, और पेमेंट भी हमारी यहीं पर दिख जा रही कि कितनी किसने पेमेंट की हुई है। अब मैं इसको सचिन के बेस पर लॉगिन करता हूँ और उसमें आपको बुक्स दिखाता हूँ कि कैसे दिखने वाली है। यहाँ पर सचिन एंड देन सचिन जीमेल एंड देन लॉगिन। तो अभी इसको लॉगिन किया और हमें स्टोर में चलते हैं इसके। तो इसके पास ये देखो काफ़ी सारे बुक्स है जिसको इसने परचेज़ किया हुआ था, और इनका CSS देख रहे हो आप कितना अलग इंटरेस्टिंग बनाया हुआ है। तो अभी हम बुक को जो रीड करना है, हमें कोई एक बुक को हम रीड करते हैं। तो इसको ओपन किया, अब यहाँ पर देख रहे हो बाय का ऑप्शन नहीं आ रहा है क्योंकि हम इसको बाय कर चुके हैं, बट जो बुक हमने बाय नहीं की हुई होगी तो यहाँ पर हम कमेंट भी ऐड कर सकते हैं, दिस इज़ नाइस बुक, दिस इज़ नाइस, ठीक है, एंड ऐड। सो यहाँ पर आप देख रहे होंगे अभी दो कमेंट्स हमारी ऐड हो चुकी है, और हम इसको रीड करना चाहते तो व्यू पर जाएंगे तो ये हमारी बुक्स इस तरीके से ओपन हो जाएगी। सो ये प्रोजेक्ट हमारा ई कॉमर्स भी है, बुक सेलिंग का भी है, पेमेंट भी ऐड हो रखी है इसके अंदर, तो काफ़ी सारी चीज़ें इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो आप इसको अगर कॉलेज के लिए यूज़ करना चाह रहे हो तो भी अच्छा है, एडवांस लेवल प्रोजेक्ट दिखाना चाह रहे हो तो भी अच्छा है, एक्सपीरियंस अगर आपको एक्सपीरियंस है और एक्सपीरियंस बेस पर आप दिखाना चाह रहे हो तो भी ये अच्छा प्रोजेक्ट है। सो ये हर जगह से अच्छा प्रोजेक्ट है, और सारे डिटेल्स हमारी बैकएंड में सेव हो रही है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, हम ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं और ऐसे काफ़ी प्रोजेक्ट्स हमने बनाए हुए चैनल पर, आप जाकर उनको देख सकते हो। और ये पूरा प्रोजेक्ट आपको कहाँ पर मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या आप डायरेक्टली वेबसाइट पर जाके updatekit.com पर जाओगे, फिर यहाँ पर सर्च करोगे
ऑनलाइन बुक, हाँ सर्च का ऑप्शन आएगा यहाँ पर ऑनलाइन बुक एंड एंटर प्रेस करोगे तो ये आपको फर्स्ट ऑप्शन पर ही दिख जाएगी ऑनलाइन बुक वाला। एंड देन इसको आपने डाउनलोड का ऑप्शन इसमें डिस्क्रिप्शन इसमें ही कहीं पर होगा, लाइक यहाँ पर ये रहा, हाँ ये रहा डाउनलोड प्रोजेक्ट, तो आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ